नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच एक मोहिनी शक्तिशाली बंगाली मंत्र लेकर आए हैं। हमारे हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवी मोहिनी भगवान श्री विष्णु का एकमात्र स्त्री रूप अवतार है। देवी मोहिनी को एक ऐसे रूप में प्रस्तुत किया गया है जिन्हें देखने मात्र से ही सब मोहित हो जाते हैं और उनके प्रेम में वशीभूत होकर हर चीज भूल जाते हैं, चाहे वह स्वयं भगवान श्री भोलेनाथ ही क्यों ना हो। हर युग में मनुष्य किसी न किसी की सुंदरता को या उसके जीवन स्तर या उसकी लोकप्रियता या किसी न किसी वजह से उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और यह आकर्षण कई बार प्रेम में बदल जाता है। पर जरूरी नहीं है कि वह प्रेम उसे मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में आप मोहिनी वशीकरण मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। आज का एक ऐसा मंत्र है जिसके द्वारा आप आसानी से किसी को भी मोहित करके अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और उसके ऊपर अपना अच्छा खासा प्रभाव डाल सकते हैं। इस मंत्र की शक्ति से कोई भी व्यक्ति या महिला आपकी तरफ आसानी से आकर्षित हो सकती है। आप अपने शत्रु को भी अपनी तरफ आकर्षित करके अपनी शत्रुता समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए आपको आज का मंत्र कौन सा है और इसका विधि किस तरीके से है मैं बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है। मन मोहिनी हर कामिनी इंद्रपुरेर काया मोक देखिया, फलनी तोक लागील माया लाग ना मोहिनी लाग फलनीर चोखे मुखे लाग बाघ हैया, बसीनु सिंहो हैया उठीनु फीरे काल जाओ सीर कमल गुरुर पाओ। यह है दोस्तों मंत्र। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। स्वयं सिद्ध इस मंत्र को दोस्तों 3 बार पढ़ना है। सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। और इस मंत्र का विधि प्रकार से है दोस्तों। आपको सरसों का तेल शनिवार या मंगलवार के दिन उत्तर मुख दुकान से प्रथम खरीदार होकर लेकर आना है। एक ही दाम में, यानी कि जब आप दुकान पर तेल खरीदने जाओगे तो सबसे प्रथम आपको जाना होगा और एक ही नाम एक ही बार में आपको बोलकर वह सरसों का तेल लेकर आना है। अब वह तेल आप बहुत दिनों तक प्रयोग में ला सकते हो। इस तेल की 3 बूंदें हथेली पर डालें और इस मंत्र को अभिमंत्रित करें और 3 बार पढ़कर 3 फूंक मारें। अब वह तेल अपने चेहरे पर हल्का सा लगाएं और अपने बालों पर लगाएं और जिस व्यक्ति के सामने या जिस लड़की के सामने जाएंगे वह वशीभूत हो जाएगा या जाएगी। मंत्र में जहां फलनी शब्द है वहां पर उस व्यक्ति या उस लड़की का नाम बोलना है। अगर एक बार में वशीभूत ना हो तो 2-3 दिन तक लगातार यह प्रयोग करें। निश्चित ही वह वशीभूत होकर आपके बात मानेगा या मानेगी। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।